लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है। मैं आपके बीच में इनके सहयोग से कांग्रेस पार्टी का मुझे लगा दूसरा देखता हूँ, फिर लगा तीसरा, तो अखबारों में फ्रंट पेज देखूं या अंदर देखूं समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा रहता था कि अखबारों में मेरा भारत बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। वो बात दूसरी है कि आज ऐसी ऐसी में बात कह देते हैं फ्लाइट डिले हो गई, लेकिन इश्तिहार में लग रहा था कि मेरा भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। फिर लगा कि 2 साल के कामकाज की अगर हम बात करते हैं सरकार की और 2 साल के पहले की बात करें, खुलासा सामने आ जाएगा और देखने को मिल जाएगा और समझने को मिल जाएगा कि ये सरकार इश्तिहार की सरकार, ये सरकार 2 साल में अगर इसने किया तो इश्तिहार दिए, अगर कोई विकास किया तो मेले और इवेंट का विकास किया और मेलों पर अगर खोमचे लगाए, काउंटर लगाए, अगर क्योस लगाए तो अपनी ही दुकानों के लगाए, ग्राहक देख कर तो गया लेकिन ना तो खरीदने के लिए उसकी जेब में पैसे थे और ना ही खरीद कर उसको कुछ वायबिलिटी नजर आई। ये हमारे लोकल व्यवसाय का हाल रहा या हमारे इंटरनेशनल मार्केट का हाल रहा। साथियों, वैसे तो आज बनता है कि सरकार का दूसरा जन्मदिन है तो अपना बर्थडे मना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सहारनपुर में मीटिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद में 28 तारीख को बिलेटेड बर्थडे मनाएंगे, एक बड़ा इवेंट करेंगे, बड़े पैसे खर्च करेंगे, क्योंकि आजकल आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि फंक्शन करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इस सरकार में 2 साल के अंदर कुछ खास दिया है तो ये कहा जा सकता है कि ये सरकार अपने आप में मोस्ट मिसलीडिंग, मोस्ट मिस इन्फॉर्मिंग सरकार है। अगर 2 लफ्जों में कहा जाए कि अब की बार मोस्ट मिसलीडिंग, मोस्ट मिस इन्फॉर्मिंग सरकार। इस सरकार ने चुनाव से पहले जिन बातों को कहा, इस सरकार ने चुनाव से पहले बड़े बड़े लुभावने वायदे इस देश को दिए, बड़ी बड़ी बातें कही और उन बातों में उन्होंने सबसे ज्यादा अगर जो कहा तो उन्होंने कहा किसानों के बारे में कहा कि हम किसानों की समस्याओं को सुलझाएंगे, हम किसानों को की अर्थव्यवस्था को उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारेंगे, हम उनको उनकी खेती में उनकी जो लागत है उसको 1.5 गुना करके देंगे। नौजवानों को कहा कि हम उनको हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे और आप लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में रहते हैं आप लोगों को दिल को बड़ी बातें सुनी होंगी, आपने लिखी हुई होंगी, इस देश इस प्रदेश की जनता ने क्या देश की जनता ने बहुत ही खुले हाथों से स्वागत किया कि पाकिस्तान में अगर 1 सरकार करने जाएगा तो 10 सरकार कर लाए जाएंगे। यहाँ पे आए तो यहाँ के रिफ्यूजियों के बारे में बात की, प्रधानमंत्री आए कि इतने 1000 करोड़ का आपको अनुदान दिया जाएगा, आपको इतनी योजनाओं में पैसा दिया जाएगा। खैर ये बातें तो अपने आप भल्ला साहब और यात्रा जी भी कहेंगे, लेकिन क्या मिला है आप भी जानते हैं, विकास में क्या हुआ आप भी जानते हैं,
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार बनने के बाद भी इन्होंने मात्र सिर्फ बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए, एक से एक अनाउंसमेंट किया, किसानों के लिए किया, नौजवानों के लिए किया, माफ कर दो, और पाकिस्तान को लेकर विदेश नीति को लेकर बड़ी बड़ी बात नीतीश, यहाँ तक इन्होंने दोस्ती की बात और न जाने क्या क्या बातें कही पाकिस्तान के साथ में। ये उस तरफ जा गए बिना बुलाए हुए, ये जाकर वहां के प्रधानमंत्री के घर में घुसकर चाय भी पिया है, नाश्ता भी कराए, मिठाई भी खाया है। वो वहां पर मिठाई खा रहे थे, वो यहाँ पर पठानकोट के अंदर हमारे सैनिकों को गोली खिलाने की कवायद शुरू कर दी गई। यानी खुद खाएंगे मिठाई और हमारे देश का नागरिक और हमारे देश का नौजवान हो, चाहे वो दीनापुर हो, गुरदासपुर हो, उधमपुर हो, क्या पर वो गोली खाए। जिस दिन से इनकी सरकार बनी है कान सामने क्या है, सुरक्षा के नाम। जहां तक सवाल है भ्रष्टाचार का, आज मैं देख रहा था इश्तेहार में बड़े ढोल ताशे के साथ में भ्रष्टाचार की तस्वीर थी, लेकिन इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है कि दो साल पहले जिन भ्रष्टाचार के आरोपों से आपने जिनके बारे में घेरने का काम किया, चाहे वो काला धन की बात रही हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम की बात रही हो, चाहे वो कोयले की बात रही हो, आपने बातें तो बड़ी बड़ी की, दो साल से आपकी सरकार है, आपने सजा किस को दी। आपने कहा था कि काला धन आ जाए, काले धन के नाम पर आया गया उस तरह ना सफेद धनिया से लोग लिखित बाहर चले गए और इनकी छत्र छाया में इन्हीं की सर पे हाथ था तो वो सांसद बने और उसके बाद में बाहर चले। और काले धन की विडंबना देखिए, बड़ी बड़ी लिस्टें निकल गई हैं। कोई कहता है पनामा की लिस्ट, कोई कहता है लिस्टों से क्या होता है, लिस्ट में आ जाने से क्या कोई भ्रष्टाचारी हो जाता है। यानी ये आज प्रधानमंत्री काले धन की जहां तक बात है, बाबा रामदेव बेचारे योग छोड़कर अपने साथ उन्होंने क्या हासिल करवाया, रामलीला के मैदान में कैसे कैसे कपड़े पहनकर वो उनको वहां से जाना पड़ा, उनका योग चला गया, उनकी जो छवि थी योग की वो चली गई। अभी उज्जैन के अंदर थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा कि जब किसी पत्रकार बंधु ने पूछा कि भैया क्या आपने किया काले धन के बारे में, बोले मैंने प्रधानमंत्री से बहुत बार कहा लेकिन अब मैंने भूलना छोड़ दिया। यानी ये इनकी उपलब्धि है, ये सही माने में काले धन की उपलब्धि है कि अब जो लोग काले धन का जो आंदोलन करते थे, अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अब हमने भूलना छोड़ दिया। यानी काले धन के विषय में उंगली उठाना छोड़कर ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये अपनी उपलब्धि कमाई, ये काले धन की उपलब्धि है। नौजवानों को उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 2 करोड़ नौकरियों के अंदर दोस्तों उन्होंने क्या दिया कि आपके सामने सरकार बनाने के बाद में उन्होंने कहा कि अब किसी भी नौकरी के लिए आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, आपको अटेस्ट नहीं कराने पड़ेंगे अपने सर्टिफिकेट। बड़ा अच्छा लगा, नौजवान जो है दीवाना हो गया कि भाई ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है, बड़ी अच्छी योजना है, लेकिन जब धरातल पर देखा तो नौकरियां ही नहीं है तो अटेस्ट कराने की क्या जरूरत है, जब नौकरियां ही नहीं होगी तो आपको इंटरव्यू देने की क्या जरूरत है। इसका मतलब सरकार बनने के बाद में 2 चीजों में सफलता पाई, ना नौकरियां उन्होंने दी और ना अटेस्ट कराने की जरूरत पड़ी और ना ही इंटरव्यू देने की जरूरत पड़ी। इस देश के अंदर यूपीए की सरकार में जिस तरह से कम 25-30-40-50 लाख तक नौकरियां दी गई साल में, इन्होंने इस बार केवल 1,34,000 नौकरियां एक साल में देने का प्रावधान। ये 2 करोड़ की नौकरियां बोलने वाले 1,34,000 में ही सिमट कर रहे हैं। इन्होंने जो व्यवसाय के बारे में ऐसे लंबे लंबे भाषण दिए, बड़े बड़े मेले सजाए, इन्होंने मेरा ख्याल से देश में और विदेश में अपने भाषणों से मजमा लगा के ये कहते हैं कि सबसे आज तक दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो मीटिंग है हमारे प्रधानमंत्री ने की, इसमें कोई शक नहीं है।
हमें से ज्यादा अगर कोई यहाँ मीटिंग, भल्ला साहब की मीटिंग शायद कमजोर होगी, मेरी मीटिंग कमजोर होगी, अगर यहाँ पर एक मदारी खड़ा होकर ढोल बजाना शुरू कर देगा तो उसका उसके लिए भीड़ ज्यादा हो जाएगी। इन्होंने मजमा लगाया, बाहर लगाया, यहाँ मजमा लगाया और क्या क्या बेचा, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, नमामि गंगे और मस्कुलर विदेश नीति। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, ये कैसी मस्कुलर विदेश नीति है? इस मस्कुलर विदेश नीति में पाकिस्तान जो है वो अपनी नीतियों को आगे बढ़ाता हुआ चला जा रहा है, वो आपको भुड़की दिखाता है, वो आपको बराबरी का एहसास कर रहा करा रहा है। और ये आपकी कैसी मस्कुलर नीति होगी, आज नेपाल बांग्लादेश भी आपके साथ में मुंहजूरी कर रहे हैं कि ये मस्कुलर नीति है। मेरी समझ में नहीं आता कि दो साल में ये कौन सा मेक इन इंडिया है। ये जम्मू में देख लीजिए, सारे देश में देख लीजिएगा, मेक इन इंडिया जो सदियों से सैकड़ों वर्षों से जो सुनार स्वर्णकार जो यहाँ पर रोजगार करता था, घरेलू जो व्यवसाय था, सोने का जो व्यवसाय था, सोना हमारे देश में लग्जरी नहीं है, सोना हमारे देश में एक गरीब परिवार से लेके अमीर परिवार तक उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए एक सुरक्षा की भावना है, सिक्योरिटी है। उसको आप जो है तमगे कह करके आप मजाक उड़ा के कि बेबी फूड पर टैक्स लग सकता है तो सोने पर क्यों नहीं? कौन कहता है कि सोने पर टैक्स मत लगाओ? सोने पर टैक्स लगाओ, लेकिन सोना अगर मेरे पास में पुराना मेरे दादा दादी का है, अगर मैं उसको ले जाकर दोबारा से बनवाना चाहता हूँ तो कम से कम उसमें तो 12.5% का जो ग्रीन ड्यूटी लगती है उधर से लेके इधर तक। जो किसान जो बेचारा कभी इसको नहीं मालूम है, जो कैश में जाए या चेक में जाए, अरे जो सोने की खरीद हो उस पर आप फायदा लगाओ, कौन मना करता है? और ज्यादा टैक्स लगाओ, कस्टम लगाओ, लेकिन आप जो है एक मामूली से मामूली कारीगर पर जो 450 साल से पुरानी इंडस्ट्री का मेक इन इंडिया कर रहा है, जो विदेशों के अंदर हमारे भारत के सोने की काम की आज भी वहां पर महत्ता है, जो लघु उद्योग भी है उस उद्योग का आप खत्म करने का काम कर रहे हैं। आप कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया आपने आपने किस व्यवसाय में बनाया है? मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर छोटी छोटी इंडस्ट्री लगी है, एक व्यक्ति बता दे कोई स्टील की इंडस्ट्री का, सीमेंट की इंडस्ट्री की, कि मेक इन इंडिया के अंदर आज कितनी बिल्डिंगें बन रही है, मेक इन इंडिया में आज कितनी स्टील बिक रही है, मेक इन इंडिया में आज कितनी प्लाई, कितना लकड़ी बिक रही है, मेक इन इंडिया में आज कितना रोजगार बन रहा है, कितनी लोग नौकरियां, आज बड़े बड़े उद्योग फर्मों के अंदर 20,000 नौकरियां कम की गई है। जहां दुनिया के अंदर रिसेशन आ गया था, लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर एक आदमी की नौकरी नहीं गई थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में एक ऐसी बात है कि ये जो सिर्फ भाषण भाषण कितना ही है कि लोग कहते थे कि मोदी जी बहुत बड़ी चिल्ला चिल्ला कहते थे कि मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं है। मनमोहन सिंह जी वक्त आता था जब जरूरत पड़ती थी तो बोलते थे, और ये मोदी जी है जो बहुत बोलते हैं लेकिन जब वक्त आता है जरूरत होती है तो अपना मुंह बंद कर लेते हैं, ये बोलते हैं। हमारे महाराष्ट्र के अंदर नागपुर के अंदर 10 टन एक किसान ने प्याज बेचा, प्याज अपने घर से लाने के बाद में उसका खर्चा उसकी बात रहती कागज पर निकाली, 10 टन बेचने के बाद में उसको मुनाफा हुआ 1 रुपए का। 10 टन उसका किराया भाड़ा, उसका मजदूरी, उसका तमाम खर्चे निकालने के बाद में उसको मुनाफा हुआ 1 रुपए का, यानी 10 टन के ऊपर 1 रुपया। ये 2 साल के अंदर इस सरकार की उपलब्धि है, और आज कह रहे हैं कि 2 साल के बाद में ये मुनाफा दुगना हो जाएगा। मुझे लगता है कि उस किसान का बेचारे का मुनाफा अब 1 के बजाय 2 रुपए हो जाएगा, शायद ये उनकी उपलब्धि। इस उपलब्ध देखिए कंट्री की हम बात करते हैं तो सामरिक बात करते हैं, कंट्री सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा नहीं, कंट्री अपने किसान को अकेले से लेकर नहीं, कंट्री जो है अगर देश की जब हम बात करते हैं तो देश के अंदर एक सामूहिक जो है चेतना होनी चाहिए। लफ्जों से चेतना नहीं होती, लफ्जों से ऊर्जा नहीं आती। आपने किसान, नौजवान और विकास कहा, आपने पाकिस्तान का नाम लेकर आपने विदेश नीति की बात की और आपने कहा कि 56 इंच की छाती होती है, उसके लिए पाकिस्तान का जवाब देने के लिए 56 इंच की छाती। अब पाकिस्तान जाकर ये नाश्ता भी कराए, मिठाई भी खाया है, ना जाने छाती वहां कम करके आए कि यहाँ कम हो गई, वो
या अंदर उसके छाती कम करने का काम कर दिया उसने पठानकोट के अंदर। सुरक्षा विकास से मैं कह रहा हूँ देशवासियों को इस बात के लिए आगाह होना चाहिए और हम इस बात के लिए सरकार को भी आगाह करना चाहते हैं कि जितने भाषणें होते ही दो साल भाषणबाजी बंद करें। आपने क्या किया, आपका चिट्ठा सामने है, हमने नहीं बनाया, आपके केंद्र के आपकी भारत सरकार की आंकड़ों ने बनाया है। इस चिट्ठे को सामने रखते हुए आने वाले सालों में काम करें, ये इवेंट्स को बंद करें, इवेंट से देश का उद्धार नहीं होगा। आज की तारीख में हमारा देश 10 साल पीछे हो गया एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, हमारे देश की विदेश नीति में, हमारे जिसको बड़ी मुश्किल से हमने बराबरी के पर लाकर खड़ा किया, हमारे सवालों को विदेश नीति के अंदर को उठाने की जरूरत नहीं करता था, आज हमें आपने सामने खड़ा करने का काम किया। तो तमाम चीजों को लेते हुए इस देश जो 10 साल पीछे हो गया है, हम चाहते हैं कि देश की गरिमा, देश की सुरक्षा, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और आने वाला कल हम देश को प्रगति की ओर देखें। हम 2 करोड़ के बात करके लोगों को लुभाव में सपने तो दिखाए हैं, सपनों से नहीं, अब सपनों को जमीन पर साकार करने का काम करें। और जमीन पर ये हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कभी किसी को कहते हैं लव जिहाद, कभी कहते हैं बलराम ज्यादा आराम ज्यादा, कभी कहते हैं भारत माता की जय। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये तमाम बातों से उलझा कर क्या अगली बार जो है वो हो सकता है जिस तरह से वो जगहों के नाम बदल रहे हैं, कभी कहते हैं कि अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड तो इसका नाम, थोड़े दिनों में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी अब जो है लाल किले का अगला भाषण 15 अगस्त का जो है वो लाल किले से नहीं नागपुर में जाके देंगे ऐसा लगता है, क्योंकि तो बोलेंगे लाल किले तो किसी और लोगों का बनाया हुआ था। तो ये तमाम चीजों को बदलने के बजाय देश के हालात को बदलने के लिए काम करें, सिर्फ भाषणबाजी और लोगों को नाम बदलना और ये हथियार चलाने से नहीं बल्कि लोगों में सद्भाव और प्यार पैदा करने से होगा। फैजाबाद में कांग्रेस पार्टी और तमाम लाइक माइंडेड लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं और हम जमीन पर जितना विरोध होगा हम करेंगे, लड़ने की जरूरत नहीं, लड़ेंगे। या बाकी डिपार्टमेंट देखे, मेरा देखने से क्या होगा? सर सुरजेवाला जी ने दिल्ली में कहा है कि जिनके ऊपर आरोप है काले धन को लेकर उन्हीं को मेन गेस्ट बनाया जा रहा है, इसलिए ये सवाल आपसे किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपने सुरजेवाला जी के सवाल का जो उन्होंने सवाल का जवाब दिया है, मुझे लगता है इस जवाब को बहु आपके जवाब पर जो है मजबूती से सामने रखिए, क्योंकि ये जवाब जो है इस देश के उन लोगों के लिए है और उन लोगों का है जो इस देश में ईमानदारी की बात करते हैं, ईमानदारी चाहते हैं। हिंदुस्तान पिछले 10 साल चला गया है जबकि आपकी गवर्नमेंट करीबन 10 साल की उसमें करप्शन में आपने देश को कितना आगे ले लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं इसी बात को कहना चाहता हूँ, इस करप्शन की, इस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार में इन्होंने 2G स्पेक्ट्रम कहा, उस भ्रष्टाचार के अंदर आपने कहा कि कोयला कोयले वाली बात कही, कोयला खानों की बात कही, उस भ्रष्टाचार में आपने दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन मुझे बताएं कि उन भ्रष्टाचारों के आरोप में उसका इतने लगाए कि सारा का सारा देश आज तक आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप इतना पीछे ले गए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार को लेकर चाहे आदर्श रहा हो चाहे कोई भी रहा हो, अगर किसी ने कोई उसके ऊपर कार्रवाई की तो हमने की। 2 साल के अंदर आपके पास में सरकार है, जितने बड़ी बड़ी आपने बोल बोले थे कि भ्रष्टाचार में काला धन में एक एक पैसा वापस आ जाएगा, ना तो काला धन वापस आया, जो काला धन की मुहिम चलाने वाले बाबा रामदेव थे वो बेचारे जिन्होंने जिस तरह से अपनी हालत कराई पब्लिक के अंदर, जैसी फोटो छपी उनकी, उनके हालात में आज
उन्होंने अभी उज्जैन में जाकर बोला कि भाई मैंने तो अब प्रधानमंत्री से काले धन के बारे में पूछना ही बंद किया है। था आज भी उन्होंने उसी गवर्नर को फिर से छेड़ना चाह रहे हैं, जिसमें ना कोई लेन ना कोई देन, जिसमें कोई तीन में ना कोई तेरह में, अगस्ता के अंदर बिना वजह नाम उछाल के उसको पब्लिक के अंदर लाना चाहते हैं। पब्लिक के अंदर क्या लाएगी? अरे मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर मेरे भाई ने मैंने अगर कुछ किया होगा, तो मैंने अगर किया है तो इन्होंने अगर कोई डील की है तो वो डील कैंसिल करेंगे क्या? उसका उसके जहाज जब्त कर लेंगे? हमारी सरकार ने जहाज जब्त किए, हमारी सरकार ने वो डील कैंसिल की, हमारी सरकार ने वो पैसा उनसे वापस लेके आए, बल्कि और उसे पेनल्टी दी, हमारी सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया, पर कहते हैं कि ये हमने जो है रिश्वत ली। अरे भाई, जब हम रिश्वत लेते तो हमारा ये काम क्यों करते जो हमारी सरकार? अरे जब आज जो है आपके छत्तीसगढ़ में एक बड़े लाडले बालक ने वहां पर एक अगस्ता खरीदा है, उसके बारे में साफ सबूत है, उसके बारे में तो बात करो ना। छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हुआ? हमने तो ना कुछ खरीदा, हमने तो ये लिया उस सामने, जिन्होंने लिया है जिन्होंने दिया उनके बारे में कोई बात नहीं, व्यापम की कोई बात नहीं। यानी जो जो सही माने में सामने लोग आ रहे हैं उन पर मुकदमा तक नहीं चल रहा, हमने तो मुकदमे चला के सामने पब्लिक डोमेन में ला दिया। और सुनिए, अभी तक कोयले के अंदर अगर किसी को सजा हुई है तो वो रोंगटा ब्रदर्स को हुई है। जानते हैं कौन थे ये रोंगटा? मुझे पता होगा, आपको तो पता होगा रोंगटा कौन थे। नहीं, इनका संबंध रहा है ना रहा हो, लेकिन बड़े भाई बहुत शरीफ आदमी थे और बहुत ही सच्चे पुरुष थे, बहुत समाज सेवी थे वो। आरएसएस के बहुत बड़े खंड भी दिया करते थे उनको, आरएसएस के कार्यक्रम चलाने के। आपकी परफॉर्मेंस जीरो रही, कि आपकी पार्टी में एक नेतृत्व को चेंज करने की बात चल रही है, विजय सिंह ने भी ये बात कही है, क्या कहेंगे कि आप नेतृत्व चेंज करने की बात चल रही होनी चाहिए जिस तरह से कांग्रेस दिन ब दिन नेतृत्व चेंज राहुल गांधी को बदलने की बात की जा रही है? दिग्विजय सिंह का बयान आपने सुना? डर नहीं, डर नहीं। वो एक होता है जब किडनैपिंग होती है ना भाई साहब, तो उस घर में शिनाख्त हो जाती है कि देख लो भाई किसी घर में माल है, किसके घर में आ सकते हैं, आ सकते हैं तो पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है उनको। हम चाहते हैं कि भाई अगर कोई है किसी को, और कोई इसमें लॉयल्टी की बात नहीं है, इस तरह से वहां पर लोग शोर मचा रहे हैं कि इनमें से आगे चले जाएंगे जैसे उत्तराखंड में कहा था। आपको विश्वास नहीं अपने हमें? नहीं, आपको दिखाने के लिए, जैसे अभी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, आपको दिखा देंगे देखिए ये है, ये लोगों के एफिडेविट है, ताकि आप हमसे सवाल ना करें, कल को ये ना कहें जैसे ये कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, कल को आप भी फिर हमसे कहीं और जाएंगे तो पूछेंगे, हम दिखा देंगे कि ये लिस्ट है कि सारे के सारे जो है ये हाथ का पंजा दिखा रहे हैं और हाथ में लॉयल्टी दिखा रहे हैं और हाथ की लीडरशिप में। पार्टी में प्रियंका गांधी को लाने जा रहे हैं क्या? देखिए कांग्रेस के अंदर प्रियंका जी और सम्मानित एक सम्मानित परिवार, और कांग्रेस हमेशा चाहती है उनका सम्मान करती है, कांग्रेस चाहती है कि वो और भी कांग्रेस के साथियों के लिए मदद करें, क्योंकि उनका प्रभाव उनके बीच में अगर वो आते हैं पब्लिक के बीच में पब्लिक लाइफ में तो उसका असर पड़ता है। राजनीति का फैसला वो स्वयं कर सकती है, जैसे आप पत्रकार हैं, अब राजनीति में आना तो आपका सवाल था, आप फैसला करेंगे ना, मैं कैसे कर पाऊंगा। राज बब्बर जी, आपने सैकड़ों फिल्में की हैं, हजारों डायलॉग बोले हैं, ये जो दो साल हो गए हैं मोदी सरकार को, कौन सा बेस्ट डायलॉग आपकी फिल्मों से आप इस सरकार पर दे सकते हैं? सही माने में आपने लाइन बोली, मजा आ गया। सबका विकास सबका साथ, इतना बड़ा जो है फ्रॉड नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर में सिर्फ इतनों का विकास पर इतनों का साथ, जानते हो किसका? जो उनकी मुट्ठी के अंदर,
सर जम्मू कश्मीर में सेशन चल रहा है कश्मीर में, और सेपरेटिस्ट ने कॉल दी है सैनिक कॉलोनी और कश्मीरी विस्थापितों को वापस ले जाने के लिए बंद का, आप उस पर क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह से जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को बीजेपी ने धोखा दिया है, अब बीजेपी इसका जवाब दे, क्योंकि बीजेपी जिनके हम तो उसका मुकाबला करेंगे, हम तो कर ही रहे, पहले भी कह रहे थे, लेकिन लोग हमारी बात नहीं मान रहे। आपने अभी ये कहा कि अगर आप रैली करेंगे या भला साहब करेंगे तो शायद लोग कम आए, मदारी कर अगर डुगडुगी बजाएगा तो ज्यादा लोग आएंगे, क्या आपका इशारा मोदी जी की तरफ? मेरा इशारा क्या है? मतलब आप उसको, अगर वो माँ से है, उनका नाम जो मदारी की माँ से, इसका दोनों का सम्मिलित कर रहे हैं, मैं कैसे कह सकता हूँ? मैंने मदारी की बात की है, मोदी जी की बात नहीं की, आप दोनों के साथ मिला रहे हैं। आपने मोदी जी को निशाना लगा।